गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पिछला टॉपिक था प्रवाल भित्ति। हमने प्रवाल भित्तियों की बात की थी, कौन कितने प्रकार की होती हैं, होता क्या है। देखिए, प्रवाल जो होता है जिसको हम मूंगा बोलते हैं, कोरल रीफ के नाम से भी उसको बोलते हैं, जो मूंगे की चट्टानें होती हैं उसको। देखिए, जो प्रवाल भित्ति की हमने बात की थी, अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां अगर हम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान की उनको आवश्यकता पड़ती है। और उनको खाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्वच्छ जल चाहिए, लवणता रहित चाहिए, और उसमें लवणता की मात्रा होनी चाहिए 37 प्रति हज़ार से 30 प्रति हज़ार। देखिए, मैंने आपको बताया था एक प्रतिशत होता है, 100 में से, और ये है प्रति हज़ार। तो आपको अच्छे से, महासागरीय लवणता की अगर हम बात करें वो भी प्रति हज़ार में होती है, और इसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, जल की लवणता है, तो ये कितने में होती है? प्रति हज़ार ग्राम। सही है, प्रति हज़ार ग्राम की 1000 ग्राम में लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत आपको पता है, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, लेकिन अगर प्रति हज़ार की बात है तो इस प्रकार का साइन है। तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी की स्टूडेंट हैं, किसको क्या बोलते हैं, प्रति हज़ार। तो यह जो प्रवाल है, कह सकते हैं अंतःसागरीय चबूतरों के रूप में प्रवाल भित्ति तथा एटल जो होते हैं अपना अलग ही महत्व रखते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रकार बताए थे, तटीय होती है, अवरोधक होती है एटल, या तीसरा जो बताया था किसका, एटाल बताया था। तो इनका अपना अलग ही महत्व होता है। अब कुछ ऐसे जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं जिस पर एक मत है कि तटीय है तो तट वाली जो प्रवाल भित्ति है उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होगी। लेकिन अगर हम कुछ प्रवाल भित्तियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में विवाद का विषय बना हुआ है, रोधिका या द्वीप की उत्पत्ति से संबंधित जो विवरण है वो क्या बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है, इसलिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने क्या दिए, सिद्धांत दिए कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, इस प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ होगा। देखिए, प्रवाल के लिए उपयुक्त जो दशाएं हैं, अनुकूल जो दशाएं हैं, हमने उसकी बात की थी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह जो क्षेत्र होता है इनके लिए अनुकूल होता है, और सर्वाधिक मात्रा में यह यहीं पाई जाती हैं। भारत के लक्षद्वीप की बात करें, मालदीव की बात करें, तो ये जो सारे क्षेत्र हैं ये क्या हैं, इसी प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। मूंगा होता है, एक चट्टान का निर्माण करता है, अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है, जैसे ही मूंगा मर जाता है दूसरा आता है और क्या बना लेता है, उसी जो खोल बनाया हुआ था, उसी मूंगे के जो खोल था उसी के ऊपर अपना दूसरा चूने का खोल बना लेता है, और इस प्रकार से वह एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है, और कह सकते हैं एक चट्टान के रूप में, एक छोटे द्वीप के रूप में उसका निर्माण हो जाता है। तो लक्षद्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो किससे बने हुए हैं, इसी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं। तो जो लवणता की बात करें, 27 प्रति हज़ार से 30 प्रति हज़ार होनी चाहिए, अंतःसागरीय चबूतरे होने चाहिए। अंतःसागरीय चबूतरों से अभिप्राय यह है कि बहुत अधिक गहराई में नहीं होनी चाहिए, 30 फैदम तक की गहराई होनी चाहिए। बहुत अधिक गहराई जब होगी तो क्या होगा, मैंने आपको प्रवाल विरंजन वाली स्थिति बताई थी कि बहुत अधिक गहराई जब होगी तो सूर्य से आने वाली किरणों उन तक नहीं पहुँच पाएंगी। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जो हरे जो पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जब उनका रंग परिवर्तन नहीं होगा, हरा रंग नहीं होगा, वो सफ़ेद रहेगा, तो क्या जो मूंगा है उसको ग्रहण नहीं करता, उसको खाता नहीं है, और वो जीवित नहीं रहता है। तो अंतःसागरीय जो चबूतरे हैं इनके लिए सूर्य की जो रोशनी होती है वह भी आनी जरूरी होती है, जिसके कारण ये अपना जीवित रह सकते हैं। तो अंतःसागरीय चबूतरे हैं, एक निश्चित गहराई पर उनको जल के अंदर वह स्थान मिल जाता है जो इनके लिए अनुकूल पाया जाता है, और जिसके कारण ये प्रवाल भित्ति आसानी से पनपती और फलती फूलती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, सभी विद्वान एक मत हैं कि जो तटीय प्रवाल भित्ति है उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में हमने कल बात की थी कि तट के सहारे जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन रोधिका व द्वीप की अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में जितने भी विद्वान थे वो एक मत नहीं थे, और इस संदर्भ में सिद्धांत दिया था डार्विन व डाना महोदय ने। देखिए, आगे आप ज्योग्राफी में कुछ भी करना चाहोगे या इसलिए आपको ये सिद्धांत आने चाहिए कि डार्विन व डाना का भू अवतलन सिद्धांत किस से संबंधित है। आप कहेंगे प्रवाल भित्ति से संबंधित है, कि प्रवाल भित्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से रूप परिवर्तित करके पूछा जा सकता है,
डार्विन व डाना महोदय ने, क्या नाम बताएंगे आप, डार्विन व डाना की प्रवाल भीतियों से संबंधित भूअवतलन सिद्धांत किसने दिया। छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे कहीं भी आपका इन क्वेश्चनों से सामना हो सकता है। तो प्रवाल भीतियों से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत किसने दिया, डार्विन व डाना ने, पूछा जा सकता है। प्रवाल भीतियों से संबंधित डार्विन और डाना ने कौन सा सिद्धांत दिया, भू अवतलन सिद्धांत दिया। सही है कि भूमि का कोई भाग ऊपर उठ जाता है जिसके कारण क्या होता है, ये जो प्रवाल भीति है उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा किसका मानना था, डार्विन महोदय का। तो जो डार्विन महोदय थे, सर्वप्रथम डार्विन ने बैरियर रीफ तथा एटेल की उत्पत्ति से संबंधित क्या किए, अपनी भ्रांतियों का निराकरण किया करने के लिए 1837 ईस्वी में एक तहिती द्वीप है, उस तहिती द्वीप पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और अपना अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही है, तहिती द्वीप का अध्ययन किया और अपने इस अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कहना ऐसा मानना था कि, बताऊंगी आगे क्या था उनका, 1837 में क्या किया उन्होंने, एक तहिती द्वीप था उसका अध्ययन किया और अपना अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और 1842 में उन्होंने क्या किया, उसी सिद्धांत में संशोधन किए। देखिए हम क्या होता है कई बार, संशोधन का अर्थ क्या होता है, जो पहले से सिद्धांत होता है उसमें जो भी कमियां होती हैं उनका निराकरण कर दिया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि सिद्धांत तो 1837 में दिया था लेकिन संशोधन कब किया था, 1842 में, 5 वर्ष बाद क्या कर दिया उसमें, संशोधन कर दिया कि ये कमियां उसमें रह गई तो इनको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो 1837 में तो उन्होंने अवतलन सिद्धांत दिया, तहिती द्वीप का अध्ययन किया था जिस पर उन्होंने, प्रवाल भीतियों का अध्ययन किया था जिस पर उन्होंने अवतलन सिद्धांत दिया, और उसका संशोधन कब किया था, 1842 में, उसमें क्या किया उन्होंने संशोधन किया कि हाँ ये चीज़ यहाँ सही नहीं थी, ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा रहा होगा। तो देखिए जो जितने भी सिद्धांत होते हैं, अनुमान होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि हाँ इस प्रकार से सागर तल का कोई भाग ऊपर उठा होगा, कोई भाग नीचे दशा होगा, जिसके कारण इन प्रवाल भीतियों की उत्पत्ति हुई होगी। सिद्धांत दिया इन्होंने, ज्वालामुखी से उत्पन्न जो द्वीप होते हैं सागर तल पर प्रवाल भीतियों का निर्माण होता है, सागर ज्वालामुखी से उत्पन्न जो द्वीप या सागर तट पर प्रवाल भीतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके बाद धीरे धीरे, देखिए द्वीप का निर्माण होता है उसके बाद क्या होता है, जो प्रवाल रोधिका होती है उसका अवतलन हो जाता है, अवतलन के बाद वो अवतलन के बाद किस में परिवर्तित हो जाती है, एटोल में परिवर्तित हो जाती है। तो जो डार्विन महोदय थे उनका भी ऐसा ही मानना था कि ज्वालामुखी से उत्पन्न जो द्वीप या सागर तट पर प्रवाल भीतियों का निर्माण हो जाता है लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे अवतलन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर प्रवाल जो रोधिका है उसका निर्माण हो जाता है और इसके बाद अवतलन से एटाल का निर्माण हो जाता है। प्रक्रिया बताइए कि पहली स्थिति ऐसी होगी, दूसरी ऐसी होगी, तो जिससे क्या होगा, प्रवाल भीति का निर्माण होगा। दूसरे महोदयाय मरे महोदय, देखिए कोई भी सिद्धांत आता है उस सिद्धांत के विरोध में अनेक लोग आते हैं, तो जो मरे महोदयाय इन्होंने भी क्या किया कि ऐसा नहीं हुआ, आप जो बता रहे हो कि द्वीप बना, ज्वालामुखी द्वीप बना, फिर क्या हुआ, प्रवाल भीतियों का निर्माण हुआ, फिर उसका अवतलन हुआ, अवतलन के बाद प्रवाल रोधिका बनी, रोधिका के अवतलन होने से किस में परिवर्तित हुआ, वो एटाल में परिवर्तित हुआ, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं तो अवतलन हुआ नहीं, इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं। तो जो मरे महोदय थे उन्होंने कहा कि सागर और जो स्थल भाग थे वो क्या थे, स्थिर थे। तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो 1880 में दिए थे, इनके एक दो सहायक और थे जिसमें सहायक का नाम है अगासीज सैम्पसन रेने, तो ये इसके और सहायक थे जिन्होंने क्या किया 1880 में एक सिद्धांत दिया था, स्थिर स्थल सिद्धांत, कि जो स्थल भाग है, जल भाग है, वो क्या है, स्थिर है, जो जल भाग है वो या स्थल भाग है वो क्या है, स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रवाल भीतियों का निर्माण हुआ है। तो अनेक कारण है जिसके कारण क्या हुआ, प्रवाल भीतियों का निर्माण हुआ है। तो 1880 में मरे महोदय ने सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम था स्थिर स्थल सिद्धांत, सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था स्थिर स्थल सिद्धांत। इनका ऐसा मानना था कि प्रवाल का जो निर्माण होता है अंतःसागरीय चबूतरों पे होता है, इनका जो मुख्य कारण क्या था, इस अवतलन सिद्धांत के विरोध में अपना मत देना था, इस अवतलन सिद्धांत के विरोध में इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया था। और इनका ऐसा निर्माण था कि जो प्रवालों का जो निर्माण होता है वो अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है, न कि किसी जो सागर द्वीप उसके पास जो प्रवाल का निर्माण हो जाता है उसके अवतलन होने से रोधिका का निर्माण होता है, ऐसा उनका मानना नहीं था कि किसी भी प्रकार का कोई अवतलन नहीं हुआ सागर तल के गिर जाने से, न कि उसके अवतलन से। तो इनका ऐसा मानना था
कि प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है वो अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। दूसरा कारण इन्होंने बताया, दूसरे की अगर हम बात करें कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक स्थल प्राप्ति सागर तल के गिर जाने से हुई है। स्थल की प्राप्ति सागर तल के नीचे गिर जाने से हुई है, न कि अवतलन से। देखिए क्या होता है, कई बार सागर का कोई भाग नीचे धस जाता है, कोई भाग ऊपर उठ जाता है। तो जो डार्विन महोदय थे उनका ऐसा मानना था कि सागर का कोई भाग ऊपर उठ जाता है जिसके सारे सारे प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो जाता है, लेकिन मरे महोदय का ऐसा मानना था कि स्थल की प्राप्ति कहाँ होगी, सागर तल का कोई भाग नीचे गिर जाएगा जिसके कारण क्या होगी, हमें स्थल की प्राप्ति होगी, न कि अवतलन से। कोई भाग ऊपर उठेगा उससे हमें प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होगा, वो प्रवाल भित्तियों में सहायक नहीं है। सागर का कोई भाग नीचे धस जाता है और वो अंतःसागरीय चबूतरों के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो इन्होंने ये कहा कि हमें जो स्थल की प्राप्ति होगी वो सागर तल के गिर जाने से होगी, न कि अवतलन होने से हमें उस स्थल की प्राप्ति होगी। इन्होंने आवश्यक स्थल प्राप्ति के दो उपचार बताए। मरे जो महोदय थे प्रवाल, मरे महोदय, देखिए मरे महोदय, इन मरे महोदय का ऐसे मानना था कि जो प्रवाल की उत्पत्ति होती है या जो प्रवाल जीवित रहता है वो 30 फैदम की गहराई तक ही जीवित रहता है। देखिए फैदम क्या होता है, सागर तल में एक मापन की इकाई है और जिसको हम बोलते हैं फैदम। गहराई को जो मापने का कार्य किया जाता है वो किस में किया जाता है, फैदम में। तो जो मरे महोदय थे उनका ऐसा मानना था, स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था कि जो स्थल है वो क्या है, स्थिर है। तो मरे महोदय ने ऐसा मानना था कि जो प्रवाल जो जीवित रहते हैं वो मात्र 30 फैदम की गहराई तक ही जीवित रहते हैं, कि उनके लिए अनुकूल स्थान वही है कि 30 फैदम तक की जो गहराई होती है, सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँचती हैं और उसमें जो प्रवाल होता है वह जीवित पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा इन्होंने कहा कि सागर तल व स्थल स्थिर रहते हैं, सागर तल व स्थल स्थिर रहते हैं, फिर प्रवाल भीति रोधिका व द्वीप का निर्माण होता है। इन्होंने कहा कि सागर और जो स्थल भाग हैं वो स्थिर रहते हैं, फिर प्रवाल भीति रोधिका व द्वीप का निर्माण होता है। प्रवाल भीति रोधिका व द्वीप का निर्माण होता है, पहले प्रवाल भीति रोधिका के रूप में आएगी, फिर वह एक छोटे द्वीप के रूप में क्या हो जाता है, पहले उसका निर्माण हो जाता है। पहले रोधिका के रूप में उसका निर्माण होगा, तटीय अवरोधक वाली पड़ी थी ना, तो पहले रोधिका के रूप में निर्माण होगा और फिर धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि द्वीप के रूप में वह रूप धारण कर लेते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि यदि ज्वालामुखी स्थिर है, इस पर भी उन्होंने अपने दो मत दिए कि अगर इस प्रकार का है कि पहले प्रवाल जो भीती है रोधिका वह उसके बाद क्या होता है, द्वीप का निर्माण होता है, वह द्वीप का निर्माण होता है। यदि ज्वालामुखी जो शिखर हैं उनकी बात करें, या प्रवाल द्वीप प्रवाल तल से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और जो द्वीप होते हैं वो प्रवाल तल से ऊपर होते हैं, और तो घुलन क्रिया द्वारा क्या होता है, अवतलन हो जाता है। कह सकते हैं सागर का कोई भाग ऊपर उठता है, लेकिन क्या होता है कि जो द्वीप होते हैं प्रवाल तल से ऊपर होते हैं, प्रवाल तल से ऊपर होते हैं तो घुलन क्रिया द्वारा अवतलन हो जाता है, कि जो भी भाग ऊपर उठता है उसको क्या कर देता है, जल आपस में घोल देता है। तो घुलन क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, अवतलन हो जाता है। कह सकते हैं कि कोई भाग सागर का ऊपर उठ जाता है। दूसरा इन्होंने कहा, द्वीप प्रवाल तल से नीचे रहते हैं, यदि द्वीप प्रवाल तल से नीचे रहते हैं तो उस पर अंतःसागरीय पलेजिक जमाव पाया जाता है। अगर भाग नीचे रहेगा तो उस पर क्या है, जो भाग सागर तल से नीचे रहेगा सूर्य की किरणें पड़ेंगी और प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो स्थिति पाई जाती है वहाँ पर अंतःसागरीय जो प्लेजिक है वो जमाव पाए जाते हैं। देख मैंने कल आपको नेरेटिक और पेलेजिक दो बताए थे, तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर अंतःसागरीय जो प्लेजिक है उनका जमाव पाया जाता है। जबकि उन्होंने बताया कि कोई भाग अगर ऊपर उठता है तो घुलन क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको बराबर कर दिया जाता है। तो ये थे मरे और डार्विन महोदय के सिद्धांत। गार्नियर महोदय एक गार्डिनर। देखिए क्या हुआ, इनका ऐसा मानना था कि हिंद महासागर में स्थित एक लक्षद्वीप है, दूसरा मालदीप है, उसमें विद्यमान जो प्रवाल भीतियाँ हैं उनका अध्ययन किया और अपना सिद्धांत दिया। कौन सा, स्थिर स्थल सिद्धांत। एक जो गार्डिनर महोदय थे इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत क्या था, बिल्कुल सेम ही था, स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था और प्रस्तुत कब किया था, 1930 में
उन्होंने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? हिंद महासागर की बात करें, दो द्वीप हैं, मालदीव है और दूसरा लक्षद्वीप है। प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया और अपना सिद्धांत दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था 1930 में। इनका ऐसा मानना था कि प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण होता है 240 से 250 मीटर गहरे अंतः सागरीय चबूतरों पर सागरीय तलछट व गहन सागरीय जीवों के जमाव के कारण होता है और उसके अनुसार लैगून का जो निर्माण होता है मृत प्रवालों के घुलने से भी होता है। देखिए, कुछ जो जीव होते हैं जैसे मोलस्क है, एग्लीफोरा, मीनाफोरा है, ये सब जीव क्या है, पाए जाते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। तो उनका भी ऐसा मानना था कि जो अंतः सागरीय चबूतरे होते हैं उस पर इस प्रकार के जीवों का जमाव पाया जाता है जिसके कारण भी जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनकी उत्पत्ति होती है और गहन सागरीय जो जीवों के जमाव के ऊपर होता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि लैगून का निर्माण भी मृत जो प्रवाल होते हैं उनके घुलने से होता है। लैगून झील की कल हमने बात की थी, बताया था ना, अनूप झीलें होती हैं, लैगून झीलें होती हैं, तो उनका जो निर्माण होता है उसके लिए भी इन्होंने बताया कि जो मृत प्रवाल हैं वो घुल जाते हैं, उनके घुलने के कारण क्या होता है, लैगून का निर्माण होता है। लैगून एक झील होती है, छिछले पानी की झील हम कह सकते हैं, जिसका संपर्क सागर से टूट जाता है जिसके कारण वो एक झील का रूप धारण कर लेती है और इसी मूंगे से निर्मित वो झील होती है। अंदर का जो भाग होता है घुलने की वजह से क्या हो जाता है, वो झील का रूप धारण कर लेता है। तो ये हमारा सिद्धांत था डार्विन व डाना महोदय का भूअवतलन सिद्धांत। मरे जो महोदय थे 1880 में स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था और कह सकते हैं कि इस अवतलन सिद्धांत के विरोध में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो डार्विन व डाना महोदय थे, अवतलन सिद्धांत दिया था और उसमें संशोधन तहिती द्वीप पर अपना अध्ययन किया था प्रवाल भित्तियों से संबंधित 1837 में अपना सिद्धांत दिया था। 1842 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, उस सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी उनमें संशोधन किया था और अवतलन सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि पहले किसी द्वीप का निर्माण होता है, फिर अवतलन होता है, प्रवाल रोधिका का निर्माण होता है और उसके प्रवाल रोधिका के अवतलन से एटॉल का निर्माण होता है। और जो मरे महोदय थे उनका ऐसा मानना था कि अवतलन से किसी भी प्रकार की प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं होता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यह जो हमारा सिद्धांत है इसके अवतलन सिद्धांत के विरोध में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था मरे महोदय ने, स्थिर स्थल सिद्धांत। और उसके अन्य जो साथ के मित्र थे, आगासीज था और जिन्होंने उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, इनका ऐसा मानना था कि जो प्रवालों का निर्माण होता है अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। मरे महोदय का दूसरा ये भी मानना था कि जो प्रवाल जीवित होते हैं मात्र 30 फैदम की गहराई तक ही वो जीवित पाए जाते हैं, सागर और स्थल भाग स्थिर रहते हैं फिर भी प्रवाल भित्ति रोधिका व द्वीप का निर्माण होता रहता है। द्वीप के बारे में आगे बताया कि द्वीप जो होते हैं प्रवाल तट से अगर ऊपर रहते हैं तो घुलन क्रिया द्वारा अवतलन हो जाता है, अगर द्वीप प्रवाल तल से नीचे रहते हैं तो उस पर अंतः सागरीय जो पेलेजिक जमाव हैं उनका जमाव पाया जाता है। इसी संदर्भ में आगे एक अध्ययन किया था गार्डिनर महोदय ने 1930 में हिंद महासागर में दो मूंगा निर्मित या प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप हैं, एक है मालदीप दूसरा है लक्षद्वीप, उन पर अपना अध्ययन किया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1930 में। स्थिर स्थल सिद्धांत सेम सिद्धांत था, नाम में परिवर्तन नहीं किया था। उनका भी ऐसा मानना था कि जो प्रवाल भित्तियां हैं वो 240 से 250 मीटर की गहराई तक अंतः सागरीय जो चबूतरे होते हैं उन पर सागरीय तलछट के जमाव तथा अंतः सागरीय जीवों के जमाव के कारण उनकी उत्पत्ति होती है और उनके अनुसार जो लैगून होती है लैगून का निर्माण भी क्या होता है, जो मृत प्रवाल होते हैं उनके घुलने के कारण ही क्या होते हैं, लैगून झील का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं जो प्रवाल जो मूंगा होता है अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, चूने का खोल बना लेता है और जो आप सभी जानते हैं चूना जल में घुलनशील है जिसके कारण वह घुल जाता है। ये था हमारा डार्विन व डाना का भूअवतलन सिद्धांत, प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत था। और इसमें एक सिद्धांत और है, डेली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, ये आएगा पीजी में, पीजी वाले बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगी मैं और बीए फर्स्ट ईयर के लिए यही। क्लास लेते रहें, कोई भी समस्या है कमेंट करके बताएं आप मुझे। आज का क्वेश्चन है, मरे महोदय ने स्थिर स्थल सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। और प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो प्रथम सिद्धांत दिया था डार्विन और डाना ने, उसका नाम बताएंगे कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित डार्विन व डाना महोदय ने किस कौन सा सिद्धांत दिया था और गार्डिनर ने अपना सिद्धांत कब दिया था। गार्डिनर महोदय ने अपना भू स्थिर स्थल सिद्धांत किस सन में दिया था,
इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।